हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं हिंदी में आपको कि इंग्लिश सीखने का सही तरीका क्या है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। आज फर्स्ट डे है, ठीक है। पहला दिन आपको क्या बोलना है, कैसे क्या करना है, चलना है, क्या देखना है, क्या सोचना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ क्लिक का सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक का बेल आइकन मेरे आने वाले वीडियो की अपडेट के लिए। और मैं स्कूल कॉलेज से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ, एग्जाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। चलिए आपको बताते हैं, सिंपल सी बात है। सुबह उठने के समय इंग्लिश की शुरुआत होती है सुबह उठने से लेके जो रनिंग वर्ड है, जैसे सुबह उठने के टाइम में क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे बोलना है। अगर आपको कोई फ्रेंड मिल जाता है तो उसे आप सुबह के टाइम में आपको बोलना है गुड मॉर्निंग। कोई भी फ्रेंड हो, जो नाम हो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग विकास, समथिंग, ओके। एंड आफ्टर, उसके बाद 12 बजे के बाद आपको क्या बोलना है, दिन का 12 बजने के बाद उस हिंदी में सब सेम है बट इंग्लिश में अलग है, ठीक है। उसके बाद आपको 12 बजे के बाद बोलना है गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून डैड, गुड आफ्टरनून विकास, गुड आफ्टरनून समथिंग, जो भी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपको शाम को 5 बजे के बाद आपको क्या बोलना है। शाम को 5 बजे के बाद आपको बोलना है गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग डैड, सेम बट इवनिंग यहाँ पे लगाना है, ठीक है। इवनिंग आपको लगाना जरूरी है। दिन में किसी भी समय आपको राह चलते आपका फ्रेंड दिख जाए तो उसे आप क्या कहेंगे, गुड डे टू यू सर, मीन्स आपसे मिलके अच्छा हुआ, अच्छा लगा आपसे मिला मैं, ठीक है। जो मैंने सर का ऑप्शन लगाया यहाँ पे, आप किसी भी फ्रेंड का, अच्छा विकास चलता हूँ, मीन्स रास्ते में चलते समय, ठीक है, रनिंग में, ओके। तो उससे भी रहे, हाँ मेरा एक फ्रेंड ने मुझे रिस्पेक्ट दिया। कोई फ्रेंड बहुत दिन के बाद आपको मिला और आप उससे बात कर रहे तो आपको क्या कहना है, प्लीज टू मीट यू, मीन्स आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और विकास कैसा है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ऐसा समथिंग, ओके। उसके बाद आपको सिंपल सा है, स्कूल कॉलेज में हमारे बहुत सारे फ्रेंड रहते हैं, ठीक है, हम उसको नाम से बुलाते हैं, और रमेश कैसा है, इंग्लिश में हाय रमेश, हाय विकास, हाय वीरेंद्र, हाय राहुल, हाय संदीप, ऐसा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। किसी दोस्त के घर पे आप बैठे हुए हैं, वहाँ से आप जा रहे हैं, ठीक है, जाते समय आपको क्या कहना है, कहना है आपको गुड बाय चिल्ड्रन, बाय बाय फ्रेंड, जो भी फ्रेंड का नाम हो आप फ्रेंड का नाम आप डाल सकते हैं। एंड किसी भी समय आपको और क्या बोलना है, फेयरवेल, चलते हैं प्री, मतलब जा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, फेयरवेल, मतलब चलता हूँ, ठीक है, अच्छा फिर मिलेंगे, बाय, सी यू, अच्छा फिर मिलेंगे, आता हूँ बाद में, ओके। हम घर में बोलते ना बाद में, अगले